हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पोएम बसंत गीत। इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स, तो वर्बों के सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, अभी हम यहाँ पर कविता का अर्थ भी दिया हुआ है, तो आप इसे डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए, ये जो पद्यांश दिया हुआ है इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर नीचे है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो कली कली यहाँ से स्टार्ट करना है, चुरायो यहाँ तक, तो आपको यहाँ से पूरा कली कली से लेकर चुरायो तक पूरा लिखना है। तो जहाँ जैसे दिया है ना, सेम वैसे ही लिखना है। टू लाइंस में दिया है तो टू लाइन में ही लिखना है। यहाँ पे चार लाइन दिख रही है इसलिए आप नीचे नहीं लिखोगे। ठीक है, जिस तरह से पोएम यहाँ पर देते हैं ना, सेम उसी तरह से फॉलो करना होता है। देन आगे दिया हुआ है बन बन गायो, तो बन बन गायो कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए बन बन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बन बन बाग बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो, ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो, तो यहाँ तक कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखिए, पद्यांश में से दो ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। मतलब ये क्या होना चाहिए, हमारा उत्तर आंसर होना चाहिए। तो ऐसे क्या दिया हुआ है, सुगंध, तो बगीचे में क्या फैल रही है, तो बगीचे में सुगंध फैल रही है, तो रही है का ये ही सेकंड वाला आएगा। ठीक है, बसंत कविता में किस ऋतु का वर्णन है या वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है क्वेश्चन मार्क। तो कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, बसंत ऋतु का, तो किस ऋतु का मतलब बसंत ऋतु का। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो, बसंत ऋतु आने पर मधुप क्या करते हैं, बसंत ऋतु आने पर मधुप मकरंद चुराते हैं, मकरंद, ठीक है, येलोइश पार्टिकल्स जो होते हैं। बसंत ऋतु में सुगंध कहाँ कहाँ फैल रही है, बसंत ऋतु में सुगंध बन बन बाग बाग में फैल रही है। मोर और कोयल क्या करते हैं, मोर ठुमक ठुमक कर नाच रही है और कोयल मधुर गीत गा रही है, गीत गा रही है। तो यहाँ पे देखो, मेन वो जो गा है वो वर्ड लिखा नहीं। तो आप बच्चे लोग ना, जब वर्ब कंप्लीट करते हैं या लिखते हो ना, तो ऐसे छोटे छोटे से सिली मिस्टेक्स करते हो, तो ये ध्यान देना है। कुसुम कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कुसुम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढूंढ कर लिखो। तो अभी क्रीड़ा मतलब क्या है, कलोल, उपवन मतलब बाग, तो इसके लिए जो हमारा प्रयुक्त शब्द आया है, मतलब सिमिलर शब्द आया है, वो लिखना था। भौरा मधु, मोर मयूरा, मयूरा नाचत मतलब मोर नाचता है। ठीक है, मयूरा। पद्यांश में प्रयुक्त लय युक्त जोड़ियां चुनकर लिखो। लय युक्त मतलब राइमिंग वर्ड्स, सजी अजी, मुस्कायो चुरायो। अभी हम देखेंगे तो यहाँ पर और भी है, आयो और लायो, फिर गायो, ठीक है, उड़ायो, ये भी है, ओके, अजी सजी राइमिंग है। तो ये सब इस तरह से जो वर्ड्स आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लय युक्त शब्द। निम्नलिखित शब्दों में के समान अर्थ वाले शब्द लिखो, सिमिलर, वसंत, वसंत मतलब क्या है, वसंत ऋतु, तो यहाँ पर वसंत। बन जंगल, कुसुम सुमन, मधुप भौरा। चलो अभी क्या दिया है नेक्स्ट, सरल अर्थ, पद्यांश की निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। तो उसका हमें अर्थ लिखना है, कली कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो, गुन 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 गूंजे मधुप गन मधु मकरंद चुरायो। मतलब
फूल ऐसे लग रहे हैं मानो कि वो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो, फूल ऐसे लग रहे हैं मानो वो मन में मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, भौरे गुनगुन गुंजार कर रहे हैं और इधर से उधर उड़कर फूलों का रस पी रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर पंक्तियों का अर्थ है। फिर इसके बाद देखो आगे ये पद्यांश दिया है, इसके आधार पर क्वेश्चंस है। पद्यांश में इन रंगों का उल्लेख किया गया है। अभी कौन से रंग है यहाँ पे? पीली, पीला रंग दिया हुआ है, और फिर उसके बाद दूसरा हरा, हरी हरी मटर मतलब हरा रंग, तो पीली और हरा। ठीक है, फिर उसके बाद चौकट पूर्ण करो। बसंत के आगमन पर खेतों में फूली सरसों, आम पर छाया बौर। देखो यहाँ पर खेतों में अरु बौर अमवा पे छाया दिया हुआ है ना, छायो, तो दैट मीन्स यहाँ पर सरसों और बौर आम पर, अमवा मतलब आम पर। ठीक है, पीली पीली सरसों फूली, सरसों फूली यहाँ पे सरसों। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सजी आयो रे ऋतु बसंत, सजी आयो ऋतु बसंत, अजी गायो रे ऋतु बसंत सजी आयो, पीली पीली सरसों फूली अरु बौर अमवा पे छायो। तो ये पोएम आप लोगों को अच्छे से लर्न भी करनी है, ठीक है, और बहुत इसी बहुत आसान पोएम है, क्योंकि दो दो लाइन्स है ना वो रिपीट ही होते हैं इसमें, इसके लिए बहुत जल्दी से लर्न भी हो जाएगी। पीली पीली सरसों फूली अरु बौर अमवा पे छायो, हरी हरी मटर बिछौने ऊपर अमित रंग बरसायो। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, ग्रामर शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों का मानक वर्तनी रूप लिखो। अमवा मतलब आम, हम लोग जो बोलते हैं वर्ड्स, प्रॉपर वर्ड्स वो बोलना है यहाँ पे। अरु मतलब क्या है? सूरज। फिर उसके बाद देखो आगे लिंग पहचान कर लिखो। बसंत पुल्लिंग आया ना, बसंत ऋतु आता है, तो दैट मीन्स पुल्लिंग। मटर फूली, मटर क्या है? तो ये स्त्रीलिंग। ऋतु कौन सी ऋतु चल रही है, कौन सा ऋतु चल रहा है हम इसे बोलते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली ये पुल्लिंग है। बिछौने 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 लाई, तो यहाँ पर ये पुल्लिंग लिखा हुआ है, तो ये उल्टा हो गया है यहाँ पर। ठीक है, पीली पीली सरसों फूली अरु बौर अंबवा पे छायो, हरी हरी मटर बिछौने ऊपर अमित रंग बरसायो। तो इसका हमें अर्थ लिखना है। तो खेतों में हर तरफ सरसों के पीले पीले फूल दिखाई पड़ रही है रहे हैं, आमों पर बौर आ गए हैं, मटर की फलियां इतनी अधिक हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए समान अर्थी शब्द लिखने हैं हमें। फूल कुसुम, उपवन बाग, कोकिल कोयल, भौरा मधु खुशबू सुगंध, मंजरी फूल, जंगल वन, उपवन भी लिख सकते हैं, मोर मयूरा और दूसरा। चलो अभी आगे वर्ण क्रमानुसार लिखो। तो यहाँ पे हमें लिखना है अ आ ई से जो जैसे आता है ना उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो अ से अमित, फिर उसके बाद आ ई उ नहीं दिया है, तो क से जैसे हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं ना वैसे लिखना है। क से फिर को, फिर ग ग गा गी गु से फिर न, ऐसे यहाँ पे जैसे लेटर्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखना है, तो यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे पूरा लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को ये पोएम के सारे आंसर्स मिल गए हैं, समझ में भी आ गए हैं, पोएम अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें हम आगे के लेसन्स भी देखेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा है और आगे के लेसन्स आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ में, और बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स के पूरे मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए मेरे चैनल में, तो आप लोग ज़रूर देख सकते हो। उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देखो। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।